दिल्ली के इस मंदिर में जब साक्षात प्रकट हुए थे बजरंगबली, भगवान हनुमान के कलयुग में मौजूद होने के कई साक्षात परिणाम आज भी कई लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। भारत देश के साथ साथ कई बार तो हनुमान विदेशों में भी अपने होने का सबूत लोगों को दे चुके हैं। कलयुग के भगवान हनुमान को बिगड़ी तकदीर बनाने वाला देवता अगर बोला जाए तो यह बात गलत नहीं होगी। कहते हैं कि अगर हनुमान के दर पर अगर कोई चीज सच्चे दिल से कोई चीज मांगते हैं तो हनुमान अपने भक्तों से कभी निराश नहीं करते। आज भी हनुमान के कई चमत्कार नियंत्रण घटित होते हैं और इस बात को इनके भक्त सभी को बताते भी हैं। दिल्ली में भी एक ऐसा ही मंदिर है जहां भगवान आज से हजारों साल पहले प्रकट हुए थे और तब भी उन्होंने सैकड़ों बुरी आत्माओं को मुक्ति प्रदान की थी। तो आइए आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे शक्तिशाली और बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान लेकर चलते हैं जहां के बारे में बताया जाता है कि यहां बिगड़ी बनाने वाले हनुमान की उपस्थिति आज भी है। जब आप दिल्ली के यमुना बाजार जो कश्मीरी गेट के पास से जाएंगे तो पहली नज़र में आपको ऐसा लगेगा कि यह कैसी दिल्ली है, यहां तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। लेकिन इसी यमुना बाजार में भगवान हनुमान का एक शक्तिशाली मंदिर स्थित है जिसका नाम मरघाट वाले बाबा हनुमान मंदिर है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास विराजित हनुमान से मिलने दिल्ली के हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं। मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहां भगवान साक्षात प्रकट हुए थे, हनुमान की उपस्थिति बताई जाती है। इस मंदिर का इतिहास यह भी है कि जब भगवान हनुमान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर लंका जा रहे थे तो वह दिल्ली के इसी स्थान पर कुछ देर के लिए ठहरे थे। मरघाट वाले बाबा हनुमान मंदिर का नाम इस वजह से यह पड़ा है क्योंकि हनुमान जब पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उन्होंने नीचे यमुना नदी को बहते हुए देखा और यमुना जी के किनारे कुछ देर के लिए हनुमान जी आराम करना चाहते थे। लेकिन जब हनुमान जी नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि यह तो शमशान घाट है और उनके यहाँ उतरने से बुरी आत्माओं का हटकर मच गया। यहाँ उस समय हनुमान की उपस्थिति ने सभी आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर दी। तो इसी तरह से मरघाट वाले बाबा हनुमान मंदिर आज यहाँ स्थापित है। हर साल यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता है और वह मंदिर तक आता है। आज निर्माण कार्य होने से जरूर यमुना जी की धारा मंदिर तक नहीं आ पाती है, लेकिन यहाँ के साधुओं का कहना है कि कुछ सालों के अंतर्गत यहाँ पर बाढ़ आती ही आती है और जब यमुना जी का हनुमान जी के दर्शन करने का मन होता है तो वह विशाल रूप लेकर मंदिर में आ जाती है। मंदिर के सामने आज भी शमशान घाट है और जो आत्मा यहाँ अंतिम यात्रा में आती है उसे बाबा हनुमान पार लगाते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को मरघाट वाले बाबा हनुमान मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और अपनी बिगड़ी तकदीर को संवारने की प्रार्थना हनुमान जी से करते हैं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।